अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ओ, मुझे तो मास्क उतारना याद ही नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने नहीं भूला मास्क उतारना बिल्कुल भी, क्योंकि कोरोना जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और अगर हम लोग मास्क उतारना भूल जाएंगे यानी हम अपनी सेहत को एट रिस्क कर रहे हैं, तो आपने मास्क जो है ना बिल्कुल नहीं उतारना। चलें जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको टॉपिक का अंदाज़ा टाइटल से हो गया होगा कि कौन सा मास्क आपकी स्किन के लिए बेहतर है, और पहले मैं ये बात करूंगी, उसके बाद मैं बात करूंगी कि कौन सा जो मास्क है होममेड, ऐसा मास्क है जो हम लोग बहुत सी खवातीन ऐसी हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बाहर, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती महंगे महंगे स्क्रब्स, और वो चाहती हैं कि वो अपनी स्किन को अच्छा रखें, तो वो क्या करें कि अगर वो स्क्रब अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो अपनी स्किन को कैसे अच्छा करेंगी, अपनी स्किन से डेड स्किन को कैसे उतारेंगी। अच्छा जी, और मैं आप लोगों को इजी सा होममेड स्क्रब बता सकती हूँ, और कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो, ये नहीं कि सिर्फ अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है, कुछ के पास ऐसे मतलब कोई उनको ला के देने वाला नहीं, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल लड़कियों के साथ रहते हैं कि वो लोग स्क्रब्स खुद नहीं खरीद सकती, तो मैं आपको घर में ही घर की चीज़ों से स्क्रब बनाना बता दूंगी, ताकि आप लोग इजीली घर में जो है ना स्क्रब बनाओ और आप भी अच्छी स्किन अपनी रख सकते हो। अच्छा जी, स्क्रब का मकसद क्या है? स्क्रब का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन है, जैसे जैसे कि मेरी स्किन है, जब हम लोग सबसे पहले अपनी स्किन केयर करते हैं तो सबसे पहला पार्ट ये होता है कि हम उसको अच्छे से साबुन, क्लींजर, किसी भी चीज़ से साफ़ करते हैं, वो हमारी स्किन को ऊपर ऊपर से साफ़ करता है। लेकिन जो स्क्रब होता है ना, वो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मिट्टी है, धुआं है, जो भी चीज़ है, उसकी ना एक डेड स्किन की लेयर बनती जाती है, तो जो स्क्रब होता है ना वो डेड स्किन की लेयर को साफ़ करता है, उस पे से जितने भी वाइट हेड, ब्लैक हेड्स आ जाते हैं उनको नरम करता है, स्किन के पोर्स तक क्लीन कर देता है। स्क्रब का मकसद यह है, यानी कि स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है जी। तो स्क्रब आप देख सकते हो मेरे पास, मैं आपको दो किस्म के स्क्रब शो करवाऊंगी और बताऊंगी उनमें से कौन सा बेहतर है। सबसे पहले मेरे पास जो है ना, ये क्यूटिश का ना चारकोल स्क्रब है, फेस एंड बॉडी स्क्रब है। ये मैं आपको इसकी जो है ना वो दिखा देती हूँ, ग्रैन्यूल्स, इसमें जो स्क्रब के छोटे छोटे बीड्स होते हैं ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको स्किन पे लगा के आपको दिखाती हूँ ये कैसे हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी लेना बेहतर है कि नहीं। देखिए, इसके जो ग्रैन्यूल्स है ना, शायद स्प्रेड होकर आपको नजर आए, थोड़े ना सख्त सख्त से हैं, लाइक अगर आप इसको लगाते हो ना तो ये जो ये आपकी स्किन पे इरिटेशन करता है। मोटे मोटे ग्रैन्यूल्स हैं, जैसे आई होप आपको फील हो रहा हो, किस किस जो ग्रैन्यूल्स हैं वो विजिबल हैं हमारी स्क्रब में। जब हम इसको स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन रगड़ती है लाइक बहुत, और हमें लगता है कि ज़्यादा रगड़ेगी तो वो बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब ज़्यादा स्किन रगड़ती है, एक तो वो एजिंग की तरफ भी ज़्यादा जल्दी जाना शुरू हो जाती है, दूसरा ये होता है कि आपकी स्किन पे निशान या रैश आ जाते हैं, जिनकी ड्राई स्किन होती है या सेंसिटिव स्किन होती है, एक्नी वाली स्किन पे ज़्यादा रगड़ खाने की वजह से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो है ना, बहुत मोटे ग्रैन्यूल्स वाला जो स्क्रब है वो नहीं हमारे लिए बेहतर होता। ये मैंने जो क्यूटिश का स्क्रब है ना खुद ख़रीदा था, जब लाइक मैंने स्टार्ट में अपनी स्किन केयर शुरू की थी और मैंने अपने लिए ख़रीदा, फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं नहीं यार, ये ठीक नहीं होता। अब मैं इसको अपने पाँव के लिए यूज़ करती हूँ। इवन तो मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ कि पाँव के लिए एक बड़ी अच्छी कंपनी है डर्मा शाइन की, ये देखें, ये लोग इस इनका ये पैडी स्क्रब है, ये मेरे पास अवेलेबल है, ये मैं समटाइम्स जो है ना लाइक जो क्यूटिश का मेरे पास स्क्रब है, अब मैं यूज़ करती हूँ जब मेरे हाथ पे कोई कोई मसला हो जाए, लाइक मैंने कोई सब्जी काटी है और ये मुझे अच्छे से हाथ साफ करने हैं, तो मैं ये उसको तब यूज़ कर लेती हूँ। अब मेरे पास ये डर्माशाइन का जो है ना स्क्रब अवेलेबल है, आप ये देखो कि कितनी वो इसको कहते हैं कि यार अच्छे से आपके आपकी स्किन को सॉफ्टली जो है ना डील करना चाहिए। तो इनके पास जो स्क्रब है ना, ये भी देखिए आप कितना, ये देखो लग ही नहीं रहा स्क्रब है। हाँ, ये देखो ऐसे लगता है जैसे कोई क्रीम लगाई है, देख सकते हो इसको, देखो और इसको देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्रीम लगाई है। अभी ये इन्होंने पाँव के लिए स्क्रब बनाया है, तो आप सोचे जब हम अपनी फेस की स्किन पे इतना सख्त स्क्रब लगाएंगे तो हमारी स्किन पे क्या होगा। तो तीसरा जो मेरे पास स्क्रब है, डर्मा शाइन का स्क्रब है, डर्माकॉस का, सॉरी डर्माकॉस का मेरे पास के स्क्रब है, ये फेस स्क्रब है।
और आपने ये वाला फेस स्क्रब देखा और ये बॉडी स्क्रब भी था साथ, और इसके साथ अब मैं आपको डर्माकॉस का बॉडी स्क्रब शो करने लगी हूँ। देखिए हाँ इधर दिखाती हूँ ताकि आपको फ़र्क वाजह से पता चल जाए ना। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, अंदर कोई भी इसकी ग्रैन्यूल नहीं है, और इससे इतनी अच्छी मैं कहती हूँ ना एक्सफोलिएशन होती है, यानी डेड स्किन उतरी है। अच्छा जी, मैं किसी के स्क्रब को बुरा अच्छा नहीं कह रही, मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मोटे ग्रैन्यूल्स वाला स्क्रब ना लें। अच्छा जी, मैं अब आपको जैसे मैंने वादा किया था कि दूसरी जो मैं आपको होममेड स्क्रब बता रही हूँ उसके लिए सिर्फ आपको दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और जाके जल्दी से रेसिपी देखें और मुझे दुआएं दें। होममेड स्क्रब बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 चम्मच मीठा सोडा और ताज़ा लीमू का रस चाहिए। लीमू का रस मैं उतना ऐड करूँगी जिससे इसकी जो है ना क्रीमी सी कंसिस्टेंसी बन जाए। थोड़ा ऐड करके देखती हूँ, अब ये थोड़ा फ्लो होगा और फिर जब बैठेगा तो तब देखते हैं इसकी क्या कंसिस्टेंसी आती है। और ऐड करें क्योंकि ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आया, तो मैं जो आधा लीमू है ना 1 चम्मच मीठे सोडे में वो सारा ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको ऐड करके अब थोड़ा इसकी बबल्स बनने देते हैं क्योंकि एक्सफोलिएट होता है तो अच्छा काम करता है। ये लें जी, इसकी मैंने अच्छे से फिंगर से इसको मिक्स किया और इसकी पेस्ट बना ली, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप इसको ब्रश से जो है ना मिक्स करोगे तो इसकी जो सारा मीठा सोडा है ना वो ब्रश पे ही लग जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपने इसलिए इसको फिंगर से मिक्स करना है और थोड़ी देर अब आपने ना इसको सेट होने के लिए ना छोड़ देना है। अच्छा जी, तो रेसिपी आप लोगों ने देख ली है। मैंने जैसे वीडियो में बोला था कि थोड़ी देर इसको सेट होने के लिए रख देते हैं, तो ये देखिए मैंने जो है ना स्क्रब को सेट होने के लिए रख दिया था। बहुत इजी है बनाना और आराम से इसने लग जाना है। आपने इसको अपनी स्किन पे हल्का हल्का सा, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड से ना, थोड़ी करते हैं हम अपनी स्क्रबिंग। ये देखिए इसके ग्रैन्यूल्स भी इतने मोटे नहीं है, लेकिन इसमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स भी आ गए। इसको हल्के हल्के से आपने ना यूं लगा के 5 मिनट छोड़ देना है। चले जी, ले जी 5 मिनट हो गए हैं, अब ये थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया है। पानी में हल्का हल्का सा लगाती जाऊंगी और इसको मैं करती जाऊंगी स्क्रब। आवाज़ शायद आपको आ रही हो स्क्रब करने की। इस तरह ही सर्कुलर मोशन में आपने सारी स्किन पे लगा के जो है स्क्रब कर लेना है। अच्छा जी, और आप लोगों ने इसको बाद में वॉश कर लेना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का सा स्क्रब कीजिएगा 2 मिनट ही, क्योंकि मीठे सोडे में भी जो है ना ग्रैन्यूल्स थोड़े हल्के ज़रा हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करना, हल्का हल्का पानी लगा लगा के बार बार करना है, और करने के बाद आप लोगों ने कर लेना है इसको वॉश। और वॉश करने के बाद आप लोगों की स्किन देखना कितनी चमकती धमकती हो जाती है। मैंने आज ना अपनी पूरी स्किन पहले से स्क्रब की थी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा स्क्रब नहीं कर रही। आप लोगों ने लाजमी स्क्रब करना है और मुझे बताना है कि ये आपके लिए कैसा रहा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।